आप एक रियल स्टेट में डेवलपर बन सकते हैं। आपने बहुत ठीक सुना, आप एक रियल स्टेट में एक अच्छे डेवलपर अपनी सिटी अपने स्टेट में बन सकते हैं। कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। 5 से 6 मिनट आपको देने हैं और आप एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मैनुअल प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि आप एक अच्छे डेवलपर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल स्टेट एक्सपर्ट, रियल स्टेट ट्रेनर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे वो वीडियो हो कि एक बिल्डर कैसे बने, चाहे वो वीडियो हो कि एक मिलेनियर रियल स्टेट में कैसे बने, चाहे वो वीडियो हो कि 50% ज़्यादा मिलेनियर रियल स्टेट से कैसे हैं, चाहे वो वीडियो हो कि वो बिल्डर और डेवलपर सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ करते हैं, ये सभी वीडियो हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे बने हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स पे बने हैं, प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो हमने अपनी PhD के दौरान 2000 से ज़्यादा कस्टमर, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज, अलग अलग लोगों से बात की हमारी बुक के लिए, वहाँ से निकल कर आए हैं ये पॉइंट्स। सो अगर आप भी एक रियल स्टेट में प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखना और समझना चाहते हैं तो हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब 5 अच्छे पॉइंट्स जो आपको एक अच्छा रियल एस्टेट डेवलपर बना सकते हैं वो है, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट, प्लान योर बजट एंड एरिया। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, आप 50 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 5 करोड़ से भी या 50 करोड़ से भी, डिपेंड करता है कि आपने कब कौन सी स्टेज में डिसाइड किया है कि आपको एक डेवलपर बनना है। हो सकता है आप इसके पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थे, कोई और बिजनेस में थे, ट्रेडिंग में थे, ज्वेलरी में थे, अब आप उतर रहे, आप 50 करोड़ के बजट से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आप इस फील्ड में नए हैं, आपके पास 50 लाख 1 करोड़ का ही बजट है, फिर भी आपको शुरू करना है। हर सिचुएशन में आपका बजट अलग अलग हो सकता है। एरिया, आपके बजट के हिसाब से ही आपको एरिया सेलेक्ट करना है कि सिटी से कितना नजदीक है, सिटी से थोड़ा दूर, डेवलप्ड एरिया में कि आगे डेवलप होने वाले एरिया में। ये सब सवाल जब आप अपने आप से करते हैं तभी एज अ डेवलपर आप उस स्टेट में, उस सिटी में ग्रो कर पाएंगे। डेवलपर कौन है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ये भी बता दूं, डेवलपर वो व्यक्ति है जो एक लैंड का पीस को खरीदता है, एक एग्रीकल्चर लैंड को खरीदता है, उसे क्लियर टाइटल सैंक्शन कराता है और उसे बेचकर लोगों को एक क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी प्लॉट के रूप में देता है। ये है डेवलपर की डेफिनेशन। अब अगर एक अच्छा डेवलपर बनना है तो पॉइंट नंबर 1 तो हमने आपको बता दिया कि आपके बजट को प्लान कीजिए और एरिया को प्लान कीजिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सैंक्शन द मैप विद रिक्वायर्ड अथॉरिटी। अब जब आपने एरिया को प्लान कर लिया, बजट को प्लान कर लिया और लैंड को बाय कर लिया, अब बाय करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है एज ए डेवलपर, आपको लैंड बाय करने के बाद इमीडिएटली उसका सैंक्शनिंग का प्रोसेस शुरू करना है, उसका सैंक्शन मैप बनाना, प्रॉपर ड्रॉइंग बनवाना आर्किटेक्ट से, उसके बाद रिक्वायर्ड अथॉरिटी से उसको सैंक्शन करवाना ताकि लोगों को आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे सके। मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, हमारे पूरे चैनल में हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत में कम से कम अगले 10 साल में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना, एम्पावर करना, ताकि वो भारत में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। लेकिन अगर आप भी एक रियल स्टेट गेम चेंजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली कसम, कमिटमेंट आपको खाना है कि आपको लोगों के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट देना है। अगर आप ये स्टेप नंबर 1 पे खड़े नहीं उतरना चाहते तो हमारे कोई वीडियो आपके कोई काम के नहीं है। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट सेलिंग। अब आपने खरीद लिया, सैंक्शन करा लिया, रिक्वायर्ड अथॉरिटी सब कुछ हो गया, मास्टर फाइल आपकी बैंक में भी चली गई, मास्टर फाइल पे बैंक आपको लोन भी देने को रेडी है अगर आपके क्लियर टाइटल प्रोजेक्ट्स है तो, उसके बाद आप सेलिंग शुरू कीजिए। इतना लेट सेलिंग क्यों सर, सवाल ये भी हो सकता है, पहले ही बेचना चालू कर दे खरीदते बराबर? नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं है कि सैंक्शन कब होगा, अगर आपको क्लियर नहीं है कि लोन की फाइल, मास्टर फाइल क्लियर है या नहीं, तो लोगों को खरीदने में मदद कैसे मिलेगी? सेलिंग तब शुरू कीजिए। अगर आप एक एथिकल, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो पूरा सैंक्शन करा के ही सेलिंग शुरू कीजिए। हाँ, आप प्री लॉन्चिंग में कुछ चेक्स ले सकते हैं, लेकिन प्री लॉन्चिंग के चेक्स का आगे पेमेंट तब तक मत लीजिए जब तक आपको 200% विश्वास ना हो कि किस दिन आपका सैंक्शनिंग आएगा, किस दिन फाइल क्लियर होगी। सब कुछ क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, स्टार्ट डेवलपमेंट वर्क। जितना फास्ट आप डेवलपमेंट करते हैं, जो भी कमिटमेंट आप एग्रीमेंट में अपने क्लाइंट्स के साथ कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट, चाहे वो रोड बनाना हो, चाहे गार्डन को डेवलप करना, चाहे स्ट्रीट लाइट लगाना, चाहे वाटर की फैसिलिटीज देना, जो भी डेवलपमेंट आपने प्रॉमिस किया है, जितने जल्दी जल्दी आप वो करेंगे उतना फास्ट लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा और जल्दी आपके प्लॉट्स की सेलिंग होगी। सो एज अ डेवलपर, डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। पॉइंट नंबर 5, एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्री एंड हैंड ओवर द पोजीशन। अब आपने लोगों से पैसे ले लिए,
उनकी पूरी ईएमआईज आ गई, जितना जल्दी हो सकता है उन्हें रजिस्ट्री करके दीजिए, उन्हें पोजीशन हैंडओवर कीजिए। जब आप ये प्रोसेस को पूरा ए टू जेड हर तरीके से फॉलो करेंगे, तब जाकर ही आप उस सिटी में एक अच्छे डेवलपर का ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे। और दोस्तों, एक बार आपने अच्छा ब्रांड क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आपके आने वाले प्रोजेक्ट उस ब्रांड के नाम पर बिकेंगे। सो अगर आप सच में एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, तो हर एक स्टेप को डिटेल में फॉलो कीजिए। और अगर बहुत डिटेल में आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हैं, वन टू वन कोचिंग चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप इस प्रोसेस को बहुत डिटेल, बहुत एडवांस तरीके से सीखना चाहते हैं और आप भी एक रियल स्टेट गेम चेंजर बनना चाहते हैं, जो हमारी किताब आने वाली है रियल स्टेट गेम चेंजर। सो दोस्तों, कहने का सिंपल मतलब यह है कि अगर आपको रियल स्टेट इंडस्ट्री में ग्रो होना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो लाखों करोड़ों लोगों ने आज तक फॉलो किए हैं। और आपको अपनी ओरिजिनलिटी तो उसमें ज़रूर लानी है, लेकिन आपको वो प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि कैसे यहाँ तक लोग रियल स्टेट में इतना ग्रो कर पाए। बहुत सारी केस स्टडीज़, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इतने शॉर्ट पीरियड में हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हमारे एडवांस प्रोग्राम में हम बहुत सारी डिटेल केस स्टडीज़ एंड एग्जांपल के साथ लोगों को ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं। सो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और रियल स्टेट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर अगर आप हमारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, किसी भी छोटे से छोटे जगह पर, वहां पर उन लोगों के साथ, किसी बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, मार्केटिंग एजेंसी के साथ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।